की न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें कमेंट में बताइए। वीडियो का मेन हिस्सा देखने के लिए वीडियो सीधा एक मिनट स्किप करके शुरू करें। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आया है जो भारत पर है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भारत 8वीं बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंटल मेंबर बना है, उसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने कुछ कमेंट किया है और पाकिस्तानी की नाकामियों को बताया है। अब्दुल बासित ने बोला है कि भारतीय डिप्लोमेसी की ये बहुत बड़ी कामयाबी है, भारत को 192 में से 184 वोट मिले हैं, यहाँ तक कि चाइना ने भी भारत को वोट दिया है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। अब्दुल बासित ने भारत चीन तनाव पर भी कुछ कमेंट किए हैं, जो कि एज़ यूज़ुअल पाकिस्तान जो करता है भारत के। सिक्योरिटी काउंसिल है जो अक़वामे मुत्तहिदा है कि उसका नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है 2 साल के लिए, 2021 और 2022 के लिए। और याद रहे कि 192 ममालिक में से 184 ने भारत के हक में वोट दिया है। अच्छा, अभी मैं देख रहा था एक ट्वीट अपना श्री मजारी साहिबा का, जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं, वो शायद ट्वीट नज़र भी आ जाएगा हमारी स्क्रीन में। तो वो ट्वीट में ये कहती हैं कि ख्याल ये रहे कि जो ये पीटीआई की हुकूमत का फैसला नहीं था। अच्छा, ये जो कि हम भारत का जो कैंडिडेचर है इसको हम सपोर्ट करेंगे, ये फैसला तो 2013 में हुआ था। अच्छा, नवाज शरीफ की हुकूमत में ये ट्वीट, और ये जो है ये बिल्कुल गलत है कहना। और हमें तो ये विरसे में एक चीज मिली तो हम फिर उससे बैक आउट नहीं कर सकते थे। अच्छा, तो इसलिए ये 2013 में डिसीजन हुआ था। तो मैं मिनिस्टर साहबा की खिदमत में बड़े मुअद्दिबाना तौर पर अर्ज करना चाहूँगा कि देखिए, एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो मीटिंग हुई थी वो 21-22 जून 2019 को हुई थी, पिछले साल हुई थी, और उसमें ये फैसला किया गया था कि जो भारत है वो अकेला एशिया पैसिफिक ग्रुप में है और कोई दूसरा मुल्क कंटेस्ट नहीं करेगा। अगर आप चाहते तो आप उस वक्त अपोज कर सकते थे, जो कि आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसकी बुनियादी वजह यह थी कि उस वक्त जून तक मोदी साहब ने 5 अगस्त पे फैसला नहीं किया था, और हमारे वज़ीर आज़म को ये उम्मीद थी कि शायद कश्मीर का मसला मोदी से हम हल करवा देंगे, क्योंकि मोदी उस वक्त तक फासिस्ट नहीं था। उस वक्त तक हमें किसी को मालूम नहीं था कि वो नाज़ीज़्म जो है उसको इतना वीक बहुत ही जबरदस्त रहा है। तो चूंकि जून 2019 तक हमें मालूम नहीं था कि मोदी फासिस्ट है और वो कश्मीर पे क्या करने जा रहा है, तो इसलिए हमने भी दूसरे ममालिक की तरह एशिया पैसिफिक ग्रुप में एंडोर्स कर दिया भारत को। अब ये कहना है कि जी 2013 का है तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जिस तरह हमारा देखें, अब मिसाल के तौर पर हमने अपना कैंडिडेचर पाकिस्तान ने फ्लोट किया हुआ है 2025-2026 के लिए, ठीक है। अभी एशिया पैसिफिक ग्रुप की मीटिंग तो नहीं हुई ना, अभी हम कन्वेंसिंग कर रहे हैं, दुनिया भर में जा रहे हैं, 2023 में होगी एशिया पैसिफिक ग्रुप की मीटिंग, तो फिर हम उनसे मांगेंगे कि जी हमें आप एंडोर्स करें। मुमकिन है कि उस वक्त भारत हमें ना करें एंडोर्स या कुछ और प्रॉब्लम्स हों, लेकिन अभी अगर हम हुकूमत अगर लेट से भारत हमें अभी एंडोर्स कर देता है 2020 में, तो ये तो होता नहीं है कभी। ये उस तरह होता है कि अगर आप रेसिप्रोकल अरेंजमेंट करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर भारत से हमने इस दफ़ा ये कहा कि जी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस दफ़ा, तो जब हमारा कैंडिडेचर आएगा तो आप हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होता है मल्टीलैटरल इलेक्शंस में, और लोग करते भी हैं, हमने इंडिया के साथ पहले भी कई बार किया है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि जी ये 2013 में हो, बिल्कुल मेरे ख्याल में गलत स्टेटमेंट है। लेकिन सर, अब दूसरी तरफ अगर आप आए तो हमारे जो शाह साहब हैं, उनका तो कहना ये है कि हमने तो मुखालफत की थी। अब मैं इस पे आ गया ना, अब देखो यूएनजीए का जो मतलब कल जो वोटिंग हुई उसमें आप देख लीजिए कि 192 में से, जिसने आपने कहा 184 वोट मिले भारत को, इसका मतलब क्या है? एक तो एशिया पैसिफिक ग्रुप के जो 55 ममालिक हैं उन्होंने तो वोट दे ही दिया होगा, मुमकिन है क्योंकि 6-8 वोट जो पड़े हैं वो अगेंस्ट पड़े हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान का वोट हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप कह रही हैं कि शायद वजीर खारजा ने कहा है कि हमने उसको अगेंस्ट वोट दिया है। अगर उसके अगेंस्ट वोट दिया है तो अच्छा किया है, लेकिन आप उसको फिर ओपनली कहें भी
ठीक है ना, दबी दबी जबान अल्फाज मत कहिए, क्योंकि जब आपने एशिया पैसिफिक ग्रुप में भारत को एंडोर्स किया था तो उस वक्त मारूजी हालात और थे, उस वक्त भारत ने जो 5 अगस्त का डिसीजन ये नहीं लिया था, तो आप ओपनली कन्वेसिंग भी कर सकते थे भारत के खिलाफ कि आपको उसको वोट इतने ना मिलते। लेकिन हमने देखा है कि कश्मीर पे और भारत पे जो हमारी सफारतकारी रही है उसका तो बुरा हाल हुआ ना, जितनी भी लॉबिंग थी वो फेल हुई है। सिर्फ यूनाइटेड नेशंस में क्या, आप अगर देख लीजिए वो आईसी में देख लीजिए, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में देख लीजिए, तो कहीं भी हमें सपोर्ट कहीं भी नजर नहीं आई। तो अगर यहाँ भी आप कुछ मेहनत करते तो मुझे यकीन है, क्योंकि हमारे नए सफीर वहां गए ना राष्ट्र अक्रम साहब, तो हमें तो बड़ी उम्मीदें थी उनसे, लेकिन वो मतलब इतने वोट दिलवा दिए उन्होंने भारतों के, हमारे तो शर्म सर जो है शर्म से झुक गए हैं। हमारा तो ख्याल था कि भारत को लोग लान तान कर रहे होंगे कि भैया आपने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में क्या कर दिया, पिछले 200-320 दिनों से वहां पे लॉकडाउन है, ब्लैक आउट है कम्युनिकेशंस का, तो दुनिया कुछ सोच रही होगी, कुछ हमारे कश्मीरी के लिए लॉबिंग कर रही होगी, लेकिन हमें तो लगता है कि वो सारा लॉबिंग रिवर्स में हो रही है। मतलब इतने ज्यादा वोट, मतलब 2/3 मेजोरिटी, उससे भी ज्यादा 128 वोट होते हैं यूजुअली, अगर 193 मेंबर्स लगा लें तो, ये तो मतलब 184 वोट ले लेना तो बड़ी कमाल की बात है मैं समझता हूँ भारत के लिए, और उनकी सफारतकारी को शाबाश देनी पड़ती है कि चाइना ने भी उनके अगर हक में वोट दिया, आई डू नॉट नो, लेकिन भारत के मीडिया से ये खबरें आ रही हैं कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ने हक में वोट दिया है, लेकिन चूंकि हमारे वजीर खारजा ने कह दिया है कि हमने उनके अगेंस्ट वोट दिया जो आप कह रही हैं, तो फिर हमने यकीनन अगेंस्ट ही वोट दिया होगा, लेकिन चूंकि हमने लॉबिंग नहीं की ओपनली, उसकी वजह यही हो सकती है कि हमने भारत के साथ, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि चूंकि हमने आपको सपोर्ट किया है तो आप 25-26 का जो कैंडिडेचर हमारा है उसमें आप हमको सपोर्ट करेंगे, तो एक टेसिट अंडरस्टैंडिंग यकीनन कहीं ना कहीं होगी, इसलिए हम इसको खुल के अपोज भी नहीं कर रहे, और चूंकि हमारे वजीर खारजा बार बार यही कह रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई, क्यामत आ गई, ये ठीक है, कोई बड़ी क्यामत नहीं आई इससे कोई इतना ये, लेकिन ये है कि ये पीरियड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के लिए कम अज कम कश्मीर को लेकर। लेकिन क्या किया जाए कि 5 अगस्त से लेकर इस साल भी पूरा 2019 गुजर गया, 2020 गुजर गया, हमने भारत तो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं था, लेकिन हमने बहुत कुछ हाथ पांव मारे लेकिन कहीं भी कामयाबी नहीं हुई, तो भारत का ना होना भी परमानेंट अगर नहीं भी था तो हमने कौन से तीर चला लिए, अब अगर वो आ भी जाएगा तो हम कौन से मतलब उसको रोक लेंगे या कुछ काम कर लेंगे, कौन से तीर चला लेंगे। इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा ठीक फरमाते हैं कि कौन सी क़यामत आ गई है, 2 साल ही के तो ये तो आए हैं ना, फिर दुनिया ये भी देखें। लेकिन सर जो दफ्तर ख़ारजा का तर्जुमान है उन्होंने तो साथ ये कह दिया कि हमें तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बात पे, अगर आपके वजीर ये कह रहे हैं कि कोई बड़ी क़यामत नहीं आई है इस तरह हो गया, लेकिन फिर दफ्तर ख़ारजा से ये बयान आ जाता है कि हमें तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस चीज पे, तो ये दो अलग अलग चीजें। तहफ़्फ़ुज़ात तो देखें ना, अब 5 अगस्त के पहले भी होने चाहिए थे, 5 अगस्त के बाद तो ज्यादा होने चाहिए थे, बिल्कुल। तो इसलिए जो वज़ीर ख़ारजा देखिए जो स्पोक्स पर्सन है ना वो तो एक ऑफिशियल पोजीशन लेता है, लेती हैं वो, तो जो उनको लिख के दिया गया उन्होंने वो पढ़ के सुना दिया आपको कि ये हुकूमत पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान की ये पोजीशन है। वज़ीर ख़ारजा क्योंकि पॉलिटिशियन है, वो टेलीविजन पे आके डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बात भी करते हैं, वो एक डिफरेंट बात है, इस वजह से बयानात में थोड़ा सा फर्क यकीनन हो सकता है, तो अल्फाज का होना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि पॉलिटिशियन का अपना एक मिजाज होता है, उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पाकिस्तानियों को भी थोड़ा बहुत खुश करना है, लेकिन जो वजारत खारजा का बयान होता है वो सिर्फ पाकिस्तानी लोगों के लिए नहीं होता, वो पूरी दुनिया के लिए होता है, वो एक और मैसेजिंग उसका, इस उसका जो टारगेट है वो और भी दुनिया भी होती है, तो इस वजह से वो हर लफ्ज बड़ा सोच समझ के और उसमें डालते हैं अपनी स्टेटमेंट में। तो जिस तरह हमारी स्पोक्स पर्सन ने कहा कि जी बाकी तो 5 जो 7 5 S हैं, पता नहीं वो समावाद है और समृद्धि है, उसमें रेस्पेक्ट भी है, उसमें शांति का लफ्ज भी है, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप सत्या 5वां जो है 6ठा उस एस को भी यूज कर लें जो आपकी पॉलिसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होगी अगले 2 साल, अच्छा। क्योंकि आप सच नहीं बोलते और आपने क्या रेस्पेक्ट करनी है, क्योंकि आप तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की धज्जियां आपने उड़ा दी हैं, तो उस लिहाज से ये बात ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वही है कि मुझे जिस बात पे सबसे ज्यादा थोड़ा बहुत मैं कंसर्न्ड हूं तो वो ये है कि 5 अगस्त के बाद से लगता ये है कि हमारी सफारतकारी में इस कदर नाकामी है कि हम
भारत को 184 वोट देने में कामयाब हो गए या नाकाम हो गए फर्दा। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि ये इस हुकूमत में ये हुआ है तो लोग तो हमें खामखा ही पता नहीं, देखिए हुआ तो ब्लाइंड फॉलोअर है नहीं, हुआ तो देखिए 2000 अगर कोई इसको कॉन्टेस्ट कर ले कि एशिया पैसिफिक ग्रुप की मीटिंग 2019 में नहीं हुई जून दो, तो हम अपनी गलती को तस्लीम कर लेंगे। लेकिन हमें मालूम है, रिकॉर्ड पे हैं ये चीजें कि एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो मीटिंग है वो हुई है जो है पिछले साल, और उसमें यूनानिमसली बता ये कहा गया है कि जी हम आपको आप हमारे वाहिद कैंडिडेट हैं इस ग्रुप के। तो इस वजह से तो कोई बात बनती नहीं है कि आप कहें कि 2013 में डिसीजन लिया गया था 2020 के लिए, तो ये गलत बात डॉक्टर शी मजारी से मैं तवक्को नहीं रखता था कि वो फैक्ट्स को इस तरह डिस्टॉर्ट करेंगी। जो चीज़ है सो है, आपने ठीक है जून अगस्त से पहले फैसला कर लिया, उस वक्त हालात जरा मुख्तलिफ थे। क्या मालूम कि श्री मिजारी साहब को इल्म ही ना हो गए कुछ इस तरह का हो चुका है ऑलरेडी? आई डू नॉट नो, लेकिन उनको ये कैसे इल्म हो गया कि 2013 में ये हुआ था? शायद पॉलिटिशियंस से, आपने कहा कि वो पॉलिटिशियन पहले हैं तो बाद में पॉलिटिशियन कहाँ से हैं, वो ओरिजिनली तो एकेडमिक हैं, वो पढ़ाती हैं, टीचर थी, प्रोफेसर रही हैं, डॉक्टरेट की उन्होंने पीएचडी कर रखी है इंटरनेशनल रिलेशंस स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर में कहीं, तो ये पॉलिटिशियन ठीक है, उनका घराना पॉलिटिशियन का रहा है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व, लेकिन वो बजाते खुद तो बड़ी पढ़ी लिखी खातून हैं, तो उस वजह से मैं उनसे ये तवक्को नहीं रखता कि वो इस फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करेंगी। हम ये भी मानते हैं कि जून में अगर आपने एक्सेप्ट किया है भारत को तो उसमें कोई हर्ज नहीं था, मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार हूँ, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग होती है। 7 बार वो रह चुके हैं परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर, 7 बार पाकिस्तान भी रह चुका है, सही। ये उनकी 8वीं बारी है, 2025-26 है हमारी 8वीं बारी आ जाएगी, तो इसमें कोई इतने बड़ा वो नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स वही रहने चाहिए, उनको तब्दील करने की बेमकसद कोशिश नहीं करनी चाहिए, सही। और इसलिए लेकिन पाकिस्तानियों को इतना परेशान भी नहीं होना चाहिए। एक लिहाज से ये भी है कि COVID-19 की वजह से वो जो मीटिंग्स होती थी वो भी शायद उस तरह वर्चुअल मीटिंग हो, शायद अभी मीटिंग्स का, क्योंकि UNGA जो सेशन है इस दफ़ा वो भी ज़रा डिफरेंट तरीके से होगा, सब लोग जमा नहीं होंगे न्यूयॉर्क में, तो प्रॉब्लम्स तो हैं। तो अगले साल जनवरी से दिसंबर 2022 की जनवरी तक क्या सूरत हाल बनती है वी डू नॉट नो। लेकिन सर हमने एक और भी तो सिस्टम रखा हुआ है ना अपने पास से, सर स्टार्ट में हमने बात की कि अब क्या हम सफारतकारी के लिहाज से तो हम नाकाम हो चुके, क्या हम पीली फकीर के निजाम से कश्मीर आजाद कर लेंगे? कितना टाइम हमारे पास है, ये क्लिप जरा दिखा देते हैं लोगों को, फिर इस पर तबसरा करते हैं। हमारे पास लूप में वो क्लिप होना चाहिए, ये शाह महमूद कुरैशी साहब का क्लिप है हमारे पास।